स्टूडेंट्स, आज हम कवकों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में से एक गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। फंगस में कई प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, जैसे कि प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशंस, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशंस, सोमेटोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन एटसेट्रा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशंस म्यूकर राइजोपस, जो कि जाइगोमाइसिटिस क्लास के मेंबर हैं, उसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर म्यूकर जो है उसके अंदर हेटरोथेलिज्म पाई जाती है। हेटरोथेलिज्म मींस इसके अंदर जो है जाइगोस्पोर फॉर्मेशन के लिए दो अलग अलग स्ट्रैंड के माइसीलियम में हाइफी की आवश्यकता होती है, एक मेल स्ट्रैंड के रूप में और एक फीमेल स्ट्रैंड के रूप में काम करता है। इसके अंदर जो है दो तरह के जो माइसीलियम हैं, वो माइसीलियम एक दूसरे के पास में आकर के और एक आउटग्रोथ का निर्माण करते हैं इस तरह से, और ये आउटग्रोथ इसमें जो है धीरे धीरे बहुत सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और ये स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे फूल जाती है और स्वोलन स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इस स्ट्रक्चर जो है बाद में क्या होता है कि जो है इसका टिप पार्ट मैक्सिमम जो है साइटोप्लाज्म कंटेन किया होता है और फूल जाता है, और यह फूला हुआ भाग इसके ठीक पीछे की ओर एक कंस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, संकुचन उत्पन्न होता है, और इसकी वजह से अब ये जो है स्ट्रक्चर धीरे धीरे दो भागों में डिवाइड होने लगती है। जो टिप पार्ट जो फूला हुआ भाग है, ये भाग प्रोगैमेटेंजिया कहलाता है, और पीछे का भाग जो है प्रोगैमेटेंजिया के ठीक पीछे की भाग जो है वो सस्पेंसर कहलाता है। अब प्रोगैमेटेंजिया धीरे धीरे जो है फूलने लगती है और उसके बाद ये सेप्टा के द्वारा इस जो है पार्ट से रिमेनिंग पार्ट से अलग होती है। अब पीछे वाला पार्ट जो है वो पार्ट जो है सस्पेंसर कहलाता है, ये जैसे ये सस्पेंसर है, और आगे वाला भाग जो है अभी जो पूरी तरह से गैमेटेंजिया में कन्वर्ट हो गया है, अब ये गैमेटेंजिया कहलाती है और ये भाग जो है सस्पेंसर कहलाता है। अब यहाँ पर जो है दो अलग अलग तरह की गैमेटेंजिया बन गई, एक प्लस स्ट्रैंड की गैमेटेंजिया और एक माइनस स्ट्रैंड की गैमेटेंजिया, दो तरह की गैमेटेंजिया इसके अंदर बन गई। अब दो गैमेटेंजिया एक दूसरे के पास में आ गई, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गई, और उसके बाद इनकी जो कॉमन वॉल होती है, ये कॉमन वॉल जहाँ एक दूसरे के टच करती है वहाँ डिजोल्व हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि पूरी की पूरी गैमेटेंजिया मेल और फीमेल स्ट्रैंड की दोनों गैमेटेंजिया जो है आपस में पूरी तरह से मिल जाती है, और इसके अंदर जो भी कंटेंट होते हैं अंतर्वस्तुएँ होती है वो पूरी तरह से आपस में जो है मिल जाती है, और अब इसके बीच में कोई पार्टीशन नहीं रहता है। ख़ास बात यह है कि इस तरह के जो आपस में ये मिली है गैमेटेंजिया, इस गैमेटेंजिया में ये दोनों गैमेटेंजिया आपस मिल करके अपने जो है चारों तरफ एक कॉमन वॉल का फॉर्मेशन कर लेती है इस तरह से, और ये कॉमन वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद में अब इन दोनों गैमेटेंजिया की इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाती है। अब ये नहीं कह सकते कि इसमें मेल गैमेटेंजिया है या फीमेल गैमेटेंजिया है, पूरी तरह से जो है ये जो है पूरी तरह से एक कॉमन वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और संपूर्ण अंतर्वस्तुएँ इसके अंदर जो है मिल जाती है। तो इस तरह से गैमेटेंजिया जो है अब एक जो दो गैमेटेंजिया थी वो मिल करके और जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाती है, इस तरह से ये जाइगोस्पोर का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से इस दृष्टि में अलग अलग होती है कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में तो सिर्फ जो है एक मेल न्यूक्लिया ही उसमें एंटर होता है, और बाकी जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे एंथ्रीडिया कहते हैं उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है, ओगोनिया की आइडेंटिटी बनी रहती है। इसके अंदर जो है मेल और फीमेल गैमेटेंजिया की आइडेंटिटी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और दोनों की तरफ एक कॉमन वॉल जो है एक का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरह से जो है जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशंस, दो गैमेटेंजिया का आपस में पूरी तरह से मिलना और जाइगोस्पोर का निर्माण करना, और इस तरह का जो है फॉर्मेशन जाइगोमाइसिटिस क्लास के मेंबर्स में पाया जाता है। Thank you.